देखते आज मामी क्या करती है। मामी क्या कर रहे हो? आपके लिए खाना निकाल रही हूँ, रात का डिनर। देखिए क्या है आज का, चावल, गरम गरम चावल। इसमें पहले विराज ने खा रखा था। और निखिल ऐसे बनाया करो, सब कुछ है करो प्रॉपर, आप ना आधा आधा बनाते हो। अच्छा बताना बेटा। बस बहुत है। बस दाल भी दिखा दो। दाल देखिएगा, ये दाल किसकी है? ये अरहर की, अरहर की दाल है। मैंने बनाया गाइस थोड़ा कम पका पका। बस बस तो गाइस बाय बाय, जिसको जिसको डिनर करना है आ जाइए, और बहुत ही यम्मी टेस्टी सा दाल चावल। बस आज के लिए इतना ही, बाय। तो गाइस अभी सब लोग बाद में खाएंगे, तो मैं सोच रही मैं भी खा लेती हूँ। तो इतना आना वाली खाली लाना बाबू, दूर रखना थोड़ा। तो इसमें आना ने खाया था और मुझे धोना ना पड़े इसलिए मैं आदत कर रही हूँ। पहले छोटे विराज ने खाया तो निखिल को दे दिया उसने, अब इसमें हाना ने खाया तो मैं खा लूँ, ताकि बर्तन कम धोना पड़े। और अभी थोड़ा घर में काम ज़्यादा है ना, थकावट हो जाती है। काम से नहीं होते, देख देख के फैला रहता है, उससे थकावट होती है, कंधक कबाड़ से। देखिए मेरी आदत खाली क्यों थी। नमक कम था मैंने, खाना को खिला रही थी ना तो नमक टेस्ट किया था, नमक कम। आप कूलर में खाइए। पापा यहाँ स्टोरी सुना रहे। बरदान मांगे लगे बोले खुले जैसे बच्चा है, जैसे बच्चा हो यही तो दर्द हो, फिर नहीं इकट्ठा हो के कहीं नहीं भगवान हमको माफ कर दे जैसे राम रही थी। ये क्या था, मैं समझी नहीं। ये क्या था, क्या समझ नहीं आया? फेयर चल रहा था भैया। किसका? और अतिया का। क्या था, कौन सी स्टोरी? पापा ने क्या बोला, वो लड़की जाती है वरदान मांगने कि मतलब जिसका लड़का होए, हाँ जिसका लड़का होए उसी के पेट में दर्द होए, मेरे ना होए तो उसके पड़ोसी के पेट में दर्द होता है। अच्छा हाँ देखो दोनों लोग कैसे सो रहे, भाई बहन बिना बिछाए, दोनों की चड्डी आधी आधी ऊपर किसकी पड़ी है कूलर में आराम से। अरे यहाँ निखिल को देखो, ओ माय गॉड। खाना कैसा है? थैंक यू, थैंक यू। अरे ये मेरा खाना। यहाँ दीदी मालिश करा रही हैं लक्ष्मी से, कि एक गलती चम्मच ले लेना और खाना हाथ से। और आज खाना मैंने बाहर बनाया था क्योंकि गर्मी थी अंदर। और पापा की स्टोरी देखो ख़त्म नहीं हो रही। क्या स्टोरी थी निखिल? धोबी और एक धोबी ने कुत्ता और एक गधा पाल रखा था, और क्या गधे के ऊपर जाता था नदी में जाके कपड़े धोता।
होता था और एक दिन सो रहा है रात को, धोबी अंदर सो रहा था, गल्ला कहता है देखो कि भाव झूठा कह रहा कि मैं नहीं भाव तो मुझे झूठा खाना देता है हां ऐसे जो भी सामान चोरी हो जाए तो गल्ला कहता है मैं अपने मालिक की वफादारी करूंगा मैं और झाटी झाटी चिल्लाने लग जाते हैं ना सारी है क्या उठता है डंडा लेके आते कहते रात की इसका नाम की थी लू बहुत मारो लोग बहुत चिल्ला रहे हैं। अच्छा यार क्या पापा ओके